हरियाणा में कल 90 सीटों पर वोटों की गिनती। नतीजों से पहले सीएम पद को लेकर दावों का दौर। भूपेंद्र हुड्डा फिर बोले, अभी रिटायर्ड न टायर्ड, एग्जिट पोल में जीत की बंदी उम्मीद। जम्मू कश्मीर में भी सुबह 8 बजे से वोटों की होगी गिनती। एग्जिट पोल के मुताबिक एनसी कांग्रेस की बन सकती है सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में झारखंड कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा के घर अमित शाह बैठक में शामिल। बिहार में विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में ईओयू को मिली अहम जानकारी। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बड़ी रकम दिए जाने की थी तैयारी। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को मिली राहत। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर लालू परिवार को दी जमानत। पटना में तेजस्वी यादव पर बीजेपी के गंभीर आरोप। कहा, सरकारी बंगला खाली किया तो यहां का सामान भी साथ लेकर चले गए। आवास से बेड, एसी, बेसिन सब निकाल लिया। नक्सल हिंसा के खात्मे को लेकर दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की अहम बैठक। कई राज्यों के सीएम शामिल। नक्सल से जुड़े युवाओं से गृहमंत्री अमित शाह ने की अपील। कहा, हिंसा छोड़िए, मुख्य धारा में आइए। उपचुनाव में अयोध्या की मलकीपुर विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने भी दावा ठोका। बोले, स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग है कि सीट कांग्रेस को। आरजीकर में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला। संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। दिल्ली में सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदहाल सड़कों की मरम्मत पर की बात, बीजेपी पर लगाए आरोप। यूपी विधानसभा के बाहर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। गंभीर हालत में लखनऊ के अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली में कांग्रेस ने लॉन्च किया नया कैंपेन। कहा, दिल्ली वालों आओ, दिल्ली चलाओ। इस कैंपेन के जरिए जनता के मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखेगी कांग्रेस। भारतीय राष्ट्र समिति के महाराष्ट्र यूनिट का एनसीपी शरद पवार गुट में हुआ विलय। इस मौके पर शरद पवार सुप्रिया सुले रहे मौजूद। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद मुइज़ू के बीच 5 समझौतों पर लगी मुहर। मालदीव के सैनिकों की ट्रेनिंग देता रहेगा भारत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व वाले बयान पर भड़के ओवैसी। बोले, मोदी और मोहन भागवत से भारतीय हिंदुओं, मुसलमानों, आदिवासियों और सिखों को खतरा। आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी छापा। संजीव के जालंधर आवास पर छापेमारी। ईडी रेड को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, आज फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफकुन को सम्मान मिला। प्रयागराज में अगले साल लगने वाले महाकुंभ मेलों की तैयारी में जुटी पुलिस। 40 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है जिम्मा।